स्केंटी पीरियड्स आर नॉर्मल, पीरियड्स स्केंटी नॉर्मल ही होते हैं, यानी कि एक दिन से लेकर 7 दिन तक पीरियड आना नॉर्मल ही काउंट होता है, और दिन भर में यदि एक पैड भी ख़राब होता है तो वो भी नॉर्मल ही काउंट होता है, और अगर 5 पैड भी हो रहे हैं तो भी नॉर्मल ही होता है, लेकिन उसको हैवी की तरफ काउंट करेंगे। यानी कि अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं थोड़े कम ज़्यादा तो पीरियड ही काउंट होते हैं। पीरियड्स पेन कैन नॉट बी ट्रीटेड, दिस इज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन वी कैन से। पीरियड्स का पेन कैन नॉट बी ट्रीटेड, अगेन आई विल से कि इट इज़ अ मिथ, बिकॉज हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है यदि सही डायग्नोसिस बनाया जाए तो। अगर हम ये ही एक्सेप्ट कर लेते हैं खुद ही, क्योंकि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है अपनी दादी नानी मम्मी के थ्रू, वो हमें यही सिखाती आई है कि बेटा पीरियड्स के टाइम पर पेन होता है और ये हमें सहन करना होता है। ये हमारे एक इंडियन ट्रेडिशन में जो लेडीज़ को सहन करने की एक जो ट्रेंड डाला जाता है, जो हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है हमारी परंपराओं के द्वारा, कि लेडीज़ को या स्त्रियों को सहन ही करना होता है, हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ये वो धारणा के थ्रू ये प्रथा चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का इलाज संभव है, मेडिसिन में जिसमें गोलियां हो सकती है, इंजेक्शन्स हो सकते हैं, और इसके बाद में सर्जरी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके साथ में इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ट्रीटमेंट किसको चाहिए, जिसको कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब यदि किसी लेडी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में जब आप डॉक्टर को संपर्क करते हैं तो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस बनाती है कि आपका क्या कारण है पेन का, और जब हम उस कारण को निकाल देंगे तो पेन भी खत्म हो जाएगा। तो हर चीज़ का इलाज संभव है, आवश्यकता है सही डॉक्टर को ढूंढने की और उसके पास जाकर मिलने की। और ये तो भूल ही जाइए कि इस दुनिया में कोई काम असंभव है, सब कुछ संभव है। इंसान मंगल पे पहुंच गया, अब सूरज पे जाने की तैयारियां हो रही है, क्या हम मेंस्ट्रुअल पेन नहीं ठीक कर सकते? इट्स इम्पॉसिबल। पीरियड्स इज द साइन ऑफ वीकनेस, दिस इज पीरियड्स आर इज द साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस, हु विल से इट वीकनेस? अगर आप सुसु जाना पॉटी जाना भी अगर वीकनेस है, और प्यास लगना और खाना खाना भी वीकनेस है, तो फिर मैं कहूँगी हाँ मेंसेस आना भी वीकनेस हो गई। पर बेसिकली ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे आज हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, हम इमोशनल होते हैं, हम रोनते भी हैं, हमारे आंसू भी आते हैं, फिर अगर जब ब्लैडर फुल हो जाता है हम यूरिनेट भी करते हैं, और जब खाना खाने के बाद पॉटी भी आती है। तो ये तो एक सिस्टम है बॉडी का जो भगवान ने बनाया है, या ऊपर वाले ने, जिसने भी नेचर ने बनाया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ नॉर्मल बॉडी सिस्टम, और यही सिस्टम एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी का, कि फीमेल को ऊपर वाले ने कंसीव करने की शक्ति दी है, यानी कि उसको इतनी ज़्यादा शक्ति दी है, वो इतना बेयर कर सकती है कि एक इंसान को अपने पेट के अंदर रख सकती है, उसको जन्म दे सकती है। और यदि आप किसी इंसान को, एक अपने जैसे इंसान को जन्म दे सकते हैं, वो एक शक्ति है। वीकनेस कैसे होगी, कोई और देखे बताए एक इंसान को जन्म, एक बच्चे को जन्म, पता चलेगा कि कितनी वीकनेस है? एक लेबर पेन को सहन करके तो दिखा है, तो पता चल जाएगा कि कितनी वीकनेस है। तो ये तो हमको भगवान ने एक अलग से शक्ति दी है, जिसके कारण हम नेचर के क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि यदि अगर ये क्रिएशन आगे नहीं बढ़ेगा तो इंसान यहीं खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचर। मैम, ये बहुत सेकेंडली मोस्टली आस्क क्वेश्चन है कि पीरियड्स के दौरान अचार को छूना या घी को छूने से वो खराब हो जाता है। ये हमने भी सुना है हमारे बचपन में, हमारी मम्मी ने भी हमें ये कहा है कि जब भी किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो अचार के पास जाएंगे तो उसकी छाया से अचार ख़राब हो जाता है। बट आई कांट अंडरस्टैंड द साइंस और लॉजिक बिहाइंड इट, कि आखिर ऐसा क्या होगा। और मैंने कभी अचार ख़राब होते नहीं देखा है, कि यदि आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि यदि आपके पीरियड्स हैं और आपने अचार को टच किया या अचार छुआ है, और उसके बाद में क्या अचार ख़राब हो गया। हो सकता है कि कभी किसी का कोई कोइंसिडेंस रहा हो कि अचार ऑलरेडी ख़राब होगा, या नीचे से ऑलरेडी ख़राब चल रहा होगा और ऊपर से किसी के टच करने से, या किसी ने उसको कोरिलेट कर दिया हो। दैट इज़ द ओनली थिंग विच कैन हैपन, बट दिस इज़ टोटली अ मिथ। क्योंकि शरीर में अगर सभी बीमारियों के होते हुए भी अगर अचार ख़राब नहीं होता, क्योंकि बहुत से इन्फेक्शन्स भी होते हैं तब भी लोग अचार भी खाते हैं या और भी खाना भी खाते हैं, तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। तो अचार तो एक ऐसा प्रिजर्वेटिव एडेड चीज़ है, जिसको कि साल साल भर के लिए प्रिजर्व किया जाता है, और साल क्या वो दो दो साल तक नहीं ख़राब होता। तो पीरियड आने नहीं आने से अचार पे क्या डिफरेंस आना है?
हम एक है कि वन कैन गेट प्रेग्नेंट विद इरेगुलर पीरियड्स आल्सो. यस डेफिनेटली वन कैन गेट प्रेग्नेंट विद इरेगुलर पीरियड्स विद नो पीरियड्स और हैवी पीरियड्स. एनी काइंड ऑफ द पीरियड्स आर देयर लेडी कैन गेट प्रेग्नेंट. और जैसे लैक्टेशनल टाइम पर जब बच्चे को दूध पिला रही होती है लेडी और जब महीने नहीं आ रहे होते हैं दैट इज़ द मोस्ट रिस्की पीरियड. कि जब लेडी सोचती है कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बट दैट टाइम वो प्रेगनेंसी भी हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है. ऐसे ही जिनके डिलेड पीरियड्स आते हैं दो दो महीने में पीरियड्स आते हैं उनका भी प्रेगनेंसी कब होती है पता नहीं चलता है. और जिनके पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं दैट मीन्स कि उनके साइकिल तो रेगुलर ही है उनका हार्मोन साइकिल तो नॉर्मल ही चल रहा है यानी कि उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है. और पीरियड्स के दौरान सिर्फ पनीर घी दूध दही छाछ ही खाना चाहिए. फिर रोटी सब्जी कौन खाएगा? रोटी सब्जी भी खानी है जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकती हैं. आप अंडे भी खा सकती हैं पनीर दूध दही छाछ तो खाना ही खाना है. नॉर्मल अपने सारे डाइट फॉलो कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हरी सब्जियां ले सकती हैं या जो भी आपको खाना है पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ भी खा सकती हैं. नॉट एन इश्यू बी हैप्पी विद योर लाइफ. यू शुड अवॉइड स्पाइसी फूड ड्यूरिंग योर पीरियड्स. यू शुड अवॉइड स्पाइसी फूड ड्यूरिंग योर होल लाइफ. क्योंकि यदि आपको स्पाइसी फूड सूट नहीं करता है और आपको एसिडिटी और जलन देता है तो डेफिनेटली हमें स्पाइसेस की मात्रा कम कर देनी चाहिए. नॉर्मल स्पाइसेस जो कि आपको सूट करता है वो ही खाइए. वन शुड कंट्रोल हर पीरियड्स टू हैव अ हेल्दी लाइफ. हाउ वी कैन कंट्रोल आवर पीरियड्स बट डॉक्टर कैन कंट्रोल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. दैट मीन्स कि यदि किसी किसी को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लड लॉस के कारण उनको एनीमिया हो रहा है कमज़ोरी आ रही है और कोई कारण है जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो उस हैवी पीरियड का जो कारण है यदि आप उसको हटा देते हैं तो उसके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे. और यदि बहुत किसी कारण के बिना हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो जो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आते हैं जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यदि वो इंसर्ट करते हैं तो धीरे धीरे पीरियड्स आना कम हो जाते हैं. तो इस तरीके से पीरियड्स को आना कम किया जा सकता है. इसके अलावा ही OCPs जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो 21 दिन के लिए ली जाती है यदि उनको एक्सटेंडेड यूज़ किया जाए यानी कि आप लगातार उनको 2 महीने या 3 महीना यूज़ करती है तो आप बीच में 1 या 2 पीरियड स्किप कर सकती हैं. उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ब्लड लॉस बीच में होने वाला था वो नहीं होगा. इससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल बढ़ता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकती हैं. क्योंकि ब्लड लॉस होने के कारण बार बार खून की कमी होती है और एनीमिया हो जाता है और एनीमिया के कारण आपको वीकनेस होती है काम करने की शक्ति खत्म होती है. तो यदि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका मेंटल स्टेटस ठीक है यानी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर महीने मेरे को महीना आए देन डेफिनेटली यू कैन चूज़ द सीजनल पीरियड्स और यू कैन चूज़ द नो पीरियड्स. मैम एक लास्ट मिथ है कि पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आना नॉर्मल है. पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आना नॉर्मल है ये सही है लेकिन यदि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है. क्योंकि जनरली क्लॉट तब बनता है कि जब ब्लीडिंग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और वो यूट्रस से पास ऑन नहीं हो पाती है और वो क्लॉट्स के रूप में अंदर जमा हो जाता है. और जैसे ही क्लॉट बन जाते हैं तो यूट्रस पूरा जोर लगा के कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पूरे को एक साथ एक्सपेल आउट करता है. इसकी वजह से पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है. इसलिए बड़े बड़े क्लॉट्स आना एबनॉर्मल है बट छोटे क्लॉट आना या इनफ्रीक्वेंट यानी सुबह से शाम में 2-4-5 क्लॉट आना नॉर्मल है. एक है कि हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए पीरियड्स के दौरान. आई थिंक वो अगर आंसर करना था. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स के दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए या पूजा नहीं करनी चाहिए. बट यदि आप भगवान को मानते हैं अल्लाह को मानते हैं जिसको भी मानते हैं नेचर है गॉड है क्रिएशन है और वो सब जगह है. मंदिर में जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो मंदिर में जो देवियाँ हैं अगर वो ह्यूमन बॉडी में थी तो क्या उनको पीरियड्स नहीं आते थे? आते ही होंगे. जो अगर ह्यूमन बॉडी का नेचर क्रिएशन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बॉडी का क्रिएशन तो सेम ही है तो वो सेम ही रहेगा. तो इसलिए ये कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडाज हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई दिस मिथ इज़ क्रिएटेड या दिस प्रथा इज़ क्रिएटेड बट यदि आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन गो टू द टेम्पल्स और वेन एवर वेयर एवर यू वॉन्ट. और बाकी तो खैर भगवान को आप मन से याद कर लीजिए वो सब जगह प्रेजेंट है. तो बिना मंदिर चाहे भी यदि आप उसमें विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा आपके साथ है. थैंक यू
तो मैं समझती हूँ कि पीरियड से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं आज हमने उनके काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश की है, और हमने यदि कुछ छूट गया है हमारे से, यानी कि कोई मिथ फिर भी हमसे छूट गया है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए ताकि हम उन्हें किसी शॉर्ट में ज़रूर कवर कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ और मिथ हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हो। ये हमने पूरे सोशल मीडिया से गैदर करने की कोशिश की है इन्फॉर्मेशन की, जो कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मिथ हैं, जो हमें बार बार पूछे जाते हैं और सोशल मीडिया पे हमें मिले हैं, तो हमने वो सारे कवर करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि कोई छूट गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।